बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो चलो आज बनाते हैं सोया सॉस, और मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे बनते हैं। इतनी देर से वो जो बाज़ार से इतना महंगा आता है और घर में कैसे आसानी से भी बन जाता है और पैसों की भी बचत हो जाती है, तो आज मैं सब आपको बताऊंगी। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सब भी सूप वगैरह तो बनाते ही हैं, उसमें भी डाला जाता है, काफ़ी डिशेज में भी डाला जाता है। आजकल तो ये एक बोतल आए जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो मैं कह चलो घर में बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दो सॉस पैन, एक में एक 1 लीटर ही पानी डालते हैं, आम सादा पानी है, कोई बुलाया नहीं। एक में एक कप चीनी डालते हैं, कोई इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही सिर्फ चीनी डालनी है। ये आधा कप सिरका है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच एक चम्मच ब्लैक पेपर है। अब ये जो चूल्हे मैंने जलाए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, हाँ, ये जिस पे चीनी, इस पे दम वाला चूल्हा, ये आँच रखनी है। तो दूसरे पे कोई इशू नहीं, पानी गर्म करना है, वो आप तेज़ रखें कम रखें जो आपका, क्योंकि उबलता पानी चाहिए जब इसमें डालना है ना, ये पानी गर्म होना चाहिए। तो अब ये देखें चीनी को भी देखते हैं, इसको 3-4 मिनट हुए हैं, हाँ स्लो आँच पर इसको रखना है, इसको आँच इसकी तेज़ नहीं करनी। तब इसको ज़रा मेल्ट होना शुरू हो गया, तो इसको चम्मच के साथ हिलाते हैं। इसमें कोई पानी वगैरह, कोई घी वगैरह, कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी, बस इसको दम वाली आंच पे रख देना। हाँ जी, ये देखिए आंच अभी भी दम वाली है। तो अब इसको ये ना जो हम हिलाते हैं तो चीनी इसके साथ, ये चम्मच इसके साथ चिपट जाती है, तो आप कोई सब चीज़ ले कर ना इसको उतार लीजिएगा। हाँ जी, ये देखिए जैसे मैं उतार रही हूँ, इसी तरह इसको सारे चम्मच को भी साफ, जो भी आप हाथ में चीज़ ले। अब इसको 5-6 मिनट लगते हैं स्लो आँच पर ये पकते हुए, तो ये देखे ब्लैक की तरफ आना शुरू हो गया, बबल आना शुरू हो गया। यही इसका तरीका, जब पकना शुरू हो जाए, कलर चेंज करना शुरू हो जाए, बबल आना शुरू हो जाए, तो पक जाता है। हाँ, अगर आप ये देखें कि आपने कितना ब्लैक करना है, इसको डार्क करना है या डार्क हल्का रखना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए भी मैं इसको 2-3 मिनट और करूँगी, यानी कि थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तो ये अब माशाल्लाह काफ़ी सही तरह डार्क भी हो गया, बन भी गया। अब नीचे से चूल्हा करते हैं बंद, उधर से वो पानी वाला चूल्हा भी बंद कर देते हैं, इधर से ये भी चूल्हा बंद करते हैं, क्योंकि ये यकदम नहीं डालनी उबलते पानी में, ये नहीं डालनी। अगर ऊपर में पानी डाल दिया ना ये इसमें सॉस में, तो वो उछल के आपके मुँह पर आ जाएगा। तो ये देखिए मैं कैसे, चूल्हे के बाद मैंने एक कप में पानी लिया और दूसरे में मैंने चम्मच लिया, उसको साथ हिलाती जा रही हूँ। हिलाना इसलिए, अगर ऐसे ही ना आपने हिलाया ना तो वो नीचे चीनी जो मेल्ट नहीं होगी, नीचे बैठ जाएगी, कोई तीसरा तो बन जाएगा। तो इसको साथ साथ हिलाते जाना। अब इसका टेम्परेचर जो है वो ज़रा कम हो गया, अब वो सारा ही पकड़ के बेशक वो इसमें डाल दें इकट्ठा। ये देखें मैं जैसे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अब ये ज़रा हीट जो है इसकी कम हो गई है, और आँच दोबारा जला देते हैं। वो आपको रोशनी भी नज़र आई, मैंने आँच जलाई है दोबारा। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो डालते हैं। तो ये देखें वही जो ब्लैक पेपर नमक, इसको डालती हैं और इसको 4-5 मिनट में ना इसको पकने देती हैं, यानी कि ये जो मिर्चू का ये वो इसमें आ जाए सारा असर, और ये जो आधा कप वो सिरका वो भी साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको 4-5 मिनट ना इसको पकाते हैं। तो ये देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, इसको उबालते हुए अच्छी तरह ये पक गया है, यानी कि जो मिर्चों का और असर है ना वो पानी में आ गया है। तो अब इसको करते हैं कि इसको चूल्हा नीचे से करते हैं बंद। हाँ जी, ये देखो काफ़ी ब्लैक भी हो गया है, यानी जितना हमें चाहिए उतना ब्लैक हो गया, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब दूसरा बर्तन लेते हैं, इसको लेते हैं छान लेते हैं। ये देखिए मैंने छान लिए थे, क्योंकि वो जो ब्लैक पेपर मैंने डाला था वो मोटी मोटी थी, बारीक नहीं, मैं पाउडर नहीं डाला था, मोटी मोटी इससे डाली थी, वो सारा कुछ बाहर निकल आया। अब इसको रखते हैं ठंडा करने के लिए, जितनी देर में ठंडा हो जाए ठीक है। ये देखिए घंटा हो, 2 हो, आधा दिन हो, इसको ठंडा करके बोतल में ऐड करना है। तो अब ये देखो मैंने 4-5 घंटे रखा था, तो ठंडा हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया, सर्दियाँ हैं यहाँ जल्दी ठंडा हो जाता है। अब ये मैंने बोतल थी कुछ दिनों हुए मैं लेके आई थी, उसको मैंने खाली किया है स्पेशल आपको दिखाया, ये वाला सोया सॉस मैंने डालने के लिए, कि मैं इसी बोतल में डालती हूँ, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा था अभी आधा गिलास था, वो मैंने निकाल लिया, दूसरी बोतल में डाल दिया।
अब इसके ऊपर रखते हैं कुप्पी और इसमें डालते जाते हैं। तो ये देखो कितना इजी मैंने बना दिया और आपको मैंने दिखा भी दिया और डाल के भी दिखा दिया। इतना इजी है, मुश्किल कोई नहीं। हाँ थोड़ा सा ध्यान, जब चीनी मेल्ट हो ना ध्यान रखना पड़ता है। अब ये इसके ऊपर रखते हैं ढक्कन और ये देखिए कैसे माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, कलर भी इतना ज़बरदस्त है। तो बाकी अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ साथ लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी खाएं पिए मौज उड़ाएं दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक छोटा सा कमेंट।